Indian Council for Cultural Relations presents Pandit Vinay Chandra Modgalya and family under its Parivar Parampara series of concerts. I invite Panditji to speak about his family and its efforts to propagate an ancient tradition of classical music. आदरणीय मानसिंह जी, उपस्थित संगीत प्रेमी भाई और बहन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस परिवार परंपरा कार्यक्रम में हमें यह अवसर दिया। हमारे देश में परिवार परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। आप देखें कि वेद पाठ, एक समय वेद लिखित रूप में परंपरा नहीं थी, लेकिन मौखिक रूप में पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र को, आज साम गायन आज भी सुरक्षित है, हजारों वर्ष पुराना, क्योंकि साम गायक उसी प्रकार से उसी परंपरा का पालन करते हैं। इसी तरह वैद्य, दर्शन, शास्त्र, किसी भी देखने, हमारे यहाँ पारिवार परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा दोनों के रूप में ये परंपरा प्राचीन काल से चली आई है, जिसमें कि लिखित रूप इतना नहीं है जितना कि मौखिक रूप है। और उसी रूप में इस परिवार परंपरा का जो महत्व प्रतिपादन किया है सांस्कृतिक संबंध परिषद ने, उसका मैं आभारी हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि इस परिवार परंपरा में शायद एक प्रकार से मैं ये कहना चाहूँ, मेरे पिता तो गायक नहीं थे, इस परंपरा का एक केवल मुझे उनसे संगीत प्रेम विरासत मिले। वो पहले सिरमौर रियासत में फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वहाँ से उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ के गुरुकुल कांगड़ी में 30 वर्ष इंग्लिश पढ़ाई, लेकिन उनको संगीत का प्रेम था, गाते थे, सितार भी बजाते थे। संगीत का प्रेम मुझे उनसे विरासत में मिला और मुझे सीखने का अवसर मिला लाहौर गंधर्व महाविद्यालय में पहले, और बाद में मेरे गुरुवर पंडित विनायकराव पटवर्धन के साथ पास। गंधर्व महाविद्यालय संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अनूठा, एक अपूर्व क्रांतिकारी कदम था। प्राचीन काल से जैसे गुरुकुल पद्धति है, जिसमें गुरु के पास रहकर चुने हुए शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसके साथ आज की जो सामुदायिक शिक्षा प्रणाली है, इन दोनों का अपूर्व समन्वय गांधर्व महाविद्यालय में था। पंडित कृष्ण दिगंबर जी के विद्यालय में आश्रमवासी के रूप में 24 घंटे उनके पास रहकर जो कलाकार निकले, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, विनायकराव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, इसी तरह सैकड़ों सच्चरित्र संगीत शिक्षक निर्माण हुए और हजारों प्रबुद्ध श्रोता, इंटेलिजेंट लिसनर जिन्हें कहेंगे, तो वो जो परंपरा थी उसी गांधर्व महाविद्यालय मुझे सीखने का मौका मिला, और मैं अपने गुरुजी के पास पूना में 4 वर्ष रह के सीखा। मेरे गुरु एक महान समुद्र के समान थे, उनसे जो समुद्र से कुछ बूंदें मुझे प्राप्त हुई और उन बूंदों को मैं बांट कर उनके ऋण से उऋण होना चाहता। मैं कलाकार नहीं बन सका, संगीत शिक्षक या समझिए कि रचनाकार या प्रचारक के रूप में मेरा योगदान रहा है, लेकिन मेरी वो जो आकांक्षा, मुझे आशा है कि मेरा परिवार पूरा करेगा। आपके सामने मेरी पुत्रवधु शुभा मुद्गल गाने के लिए बैठी हैं, उसके बाद इसी प्रकार से मेरा पुत्र भी गाएगा और अंत में मेरी बेटी माधवी उड़ीसी डांस प्रस्तुत करेगी। हमारे देश में संगीत में जैसे पाश्चात्य देशों में म्यूजिक में मतलब इंस्ट्रूमेंटल वोकल गायन और वादन सिर्फ माना जाता है, लेकिन हमारे देश में गायन, वादन और नृत्य तीनों को ही संगीत का आवश्यक माना अनुमान, तो इसीलिए गायन और नृत्य दोनों ही संगीत के अंदर आते हैं। वो आप मुझे आशा है कि आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे और इससे रस ग्रहण करेंगे। मैं कलाकार के रूप में नहीं आऊँगा, लेकिन संगीत शिक्षक के रूप में जो मैं सिखाता हूँ उसका एक थोड़ा नमूना मैं भी आपके सामने रखूँगा। अभी शुभा गाएगी, इसके बाद फिर मैं We begin with a vocal recital by Shubha Mudgal, daughter-in-law of Pandit Vinay Chandra Ji. She began learning under Pandit Ram Ashraya Jha of Allahabad and continued under her father-in-law.
She's also been trained in stylistic techniques by Sri Vasant Thakkar, Pandit Kumar Gandhar, and Pandit Jitendra Abhisheki, and the Thumri and Dadra genres by Naina Devi. Today, she sings Rag Madhuvanti. The Madhya Raya composition, set in Teen Taal, is Bairan Bartha Rut Aayi, and the Drut composition, also in Teen Taal, is Main Aaun Ture Mandarva. She's accompanied on the tabla by Sri Deepak Garud, on the sarangi by Sri Inder Lal, on the tanpura by Inder Singh Bangra, and on the harmonium by Shatish Biswas. Na 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 na
Bye.
Right.
Oh.
Yeah.
कौन बहाने जाऊं मैं पारने